Hello children, good morning. Today we are going to start exercise of chapter number 2. So all of you take out your MS book, page number 13, exercise A. Place the following sentence in the right column. यहाँ कुछ sentence दिए हुए हैं, उसको हमें right column में लिखना है. Humility and pride, विनम्रता और घमंड. कौन सा सेंटेंस किस में आएगा? नंबर वन, आई एम द बेस्ट. मैं सबसे बेस्ट हूं, ऐसा कौन बोलता है? जिसके अंदर प्राइड होता है, घमंड होता है. राइट हियर, आई एम द बेस्ट. नंबर टू, आई डोंट नीड हेल्प. मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ऐसा कौन बोलता है? जिसके अंदर प्राइड होता है. राइट हियर, आई डोंट नीड हेल्प. नेक्स्ट, आई डू वॉट आई कैन. मैं वो ही करता हूं जो मैं कर सकता हूं. यस, ये विनम्रता से बोला हुआ है कि मैं वो ही करता हूं जो मैं कर सकता हूं. राइट हियर. नेक्स्ट, आई एम हैप्पी द वे आई एम. मैं जैसा भी हूं मैं खुश हूं. ये भी विनम्रता से बोला हुआ है, ह्यूमिलिटी. राइट हियर, आई एम हैप्पी द वे आई एम. नेक्स्ट, आई नो एवरीथिंग. मैं सब कुछ जानता हूं. ये कौन बोलता है? ये जिसके अंदर घमंड होता है, प्राइड होता है. आई नो एवरीथिंग. राइट हियर. एंड देन लास्ट, आई नीड हेल्प. मुझे हेल्प की जरूरत है. ये भी विनम्रता से बोला हुआ है, ह्यूमिलिटी. आई नीड हेल्प. नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन, वॉट मिस्टेक डिड टेको मेक. टेको ने क्या गलती की थी? आंसर, टेको वॉज ट्राइंग टू बी समवन एल्स. टेको ने दूसरों के जैसा बनने की गलती की थी. क्वेश्चन नंबर टू, वॉट डू यू थिंक टेको एक्सपीरियंस वेन ही वॉज लाइंग ऑन द ग्रास. टेको को क्या एक्सपीरियंस हुआ जब वो घास में गिरा? आंसर, टेको वॉज अफ्रेड वेन ही वॉज लाइंग ऑन द ग्रास. टेको जब घास में गिरा तब वो डर गया था. क्वेश्चन नंबर थ्री, वंस टेको रिटर्न टू द सेल्फ इन जोज रूम, वॉट डिड ही रियलाइज. टेको जब वापस जो की रूम की सेल्फ में आया तब उसको क्या एहसास हुआ, क्या रियलाइज हुआ उसको? आंसर, टेको रियलाइज दैट ही जस्ट वॉन्टेड टू बी अ काइट एंड डू हिज पार्ट वेल. टेको को रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ काइट ही बने रहना चाहता हूं और उसमें ही मैं बेस्ट करूंगा. क्वेश्चन नंबर फोर, वॉट ब्रॉड टेको फॉलिंग डाउन डाउन डाउन. टेको जब नीचे, टेको कब गिरा था नीचे? आंसर, द विंड ड्रॉप्ड एंड मेक टेको टू फॉल डाउन डाउन डाउन. जब हवा बंद हो गई तो टेको नीचे गिरता गया गिरता गया. नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, कट दिस एक्सरसाइज. ओके, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 14. वन एक्टिविटी इज हियर, नेम ईच काइट एप्रोप्रिएटली. नोट द वर्ड दैट गोज ऑन टू द काइट दैट इज कट एंड फॉलिंग. इसमें यहां कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से क्या चीज तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए वो कटी हुई पतंग में लिखना है. जो तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए उसको काट के गिरा दो. ओके, नंबर वन, विजडम, बुद्धिमानी, समझदारी, जो सब में होनी चाहिए. राइट हियर, विजडम. नेक्स्ट, प्राइड, घमंड, जो आपके अंदर नहीं होना चाहिए तो उसको कटी हुई पतंग में लगाओ. जो तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए वो है तो भी उसको हटा दो. ह्यूमिलिटी, विनम्रता. राइट हियर, इफोर्ट,
बहुत प्रयास करना, मेहनत करना, मन लगा के काम करना, इसको जो सब में होना चाहिए। लास्ट नॉलेज, यस नॉलेज भी सब में होना चाहिए। राइट हियर नॉलेज। लिसन प्रॉपरली एवरीबडी, दिस ऑल एक्सरसाइज राइट इन योर बुक, नो नीड टू राइट इन नोटबुक। ओके, बाय, टेक केयर।